नमस्ते दोस्तों, आपने ये प्रोवर्ब तो सुना ही होगा कि योर एटीट्यूड डिटरमाइंस योर एल्टीट्यूड। मतलब आपका एटीट्यूड या फिर आपके जीवन के प्रति आपका जैसा नजरिया होता है, वही आपके लाइफ में आपकी सफलता के स्तर को निर्धारित करता है। और इसी बात पे फोकस करती है हमारी आज की किताब, जिसका नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एटीट्यूड इज एवरीथिंग को लिखा है जेफ कैलर ने, जो कि प्रेसिडेंट हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग ऑर्गेनाइजेशन के और साथ ही साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। दोस्तों, आपने पानी से भरे हुए इस आधी ग्लास की इमेज तो देखी ही होगी। कोई इसे आधा भरा हुआ बोलता है, कोई इसे आधा खाली बोलता है। बहुत कमी लोग हैं जो इसे पूरा भरा हुआ बोलते हैं। क्या कहा आपने? ये बात आपको आश्चर्य करती है कि ये पूरा भरा कैसे है? मैं इसे प्रूव कर सकता हूं। अब आपके सामने ये लेस का पैकेट है। ये लेस के पैकेट को आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि पूरा भरा हुआ है कि आधा भरा कहेंगे? आप कहेंगे इसे पूरा भरा हुआ है। बट असल में क्या ये चिप से पूरा भरा हुआ है? आप कहेंगे नहीं, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं। इसमें कुछ एरिया चिप्स है और कुछ एरिया हवा भरी हुई है। मैं कंपनी के मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात नहीं करता, लेकिन हम इस चिप्स के पैकेट को पूरा भरा हुआ मानते हैं और उस हवा का भी पैसा देते हैं। ये है हमारे देखने का नजरिया। और इसी तरीके से वो ग्लास भी है। वो ग्लास असल में पूरी भरी हुई है, आधी भरा पानी से और आधा भरा हवा से। इस तरह से हमारे एटीट्यूड हमारा इस दुनिया को, इस जीवन को देखने के नजरिया को डिफाइन करता है। दोस्तों, आपको अभी भी कंफ्यूजन है? मैं आपकी कंफ्यूजन दूर किए देता हूँ। आपको ले चलता हूँ आपके बचपन में। आपको अपना बचपन तो याद होगा ही, जब हम चलने की कोशिश करते थे, दौड़ने की कोशिश करते थे, भागने की कोशिश करते थे और इस कोशिश के दौरान लड़खड़ा के गिर जाते थे, लेकिन हम अपना हार नहीं मानते थे और फिर से खड़े होते थे और आगे की ओर बढ़ चलते थे। लेकिन जब हम बड़े हो गए हैं, तब हम हर अपनी उन छोटी छोटी गलतियों या फिर असफलता के लिए दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, क्या बदला है? वो नजरिया बदला है। पहले जब हम छोटे थे तो हमारे अंदर लर्निंग एटीट्यूड था, हम अपनी हर गलतियों से सीखते थे और आगे बढ़ते थे, लेकिन अब हम ब्लेम करना शुरू कर दिए। दोस्तों, मैं आपको क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि सफलता रातों रात नहीं मिल जाती। सफलता मिलती है हमारे अथक प्रयास से, उसकी ओर हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड से, उसके ओर किए गए हमारे प्रयासों से, और आई हुए असफलताओं को पॉजिटिवली देखते हुए उसके तरफ आगे बढ़ने से। आप सबसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक बार इस वेबसाइट positivityguides.net पे विजिट करें और अपने पॉजिटिविटी को और पॉजिटिव एटीट्यूड को चेक करें। और फिर इसी के साथ मैं आपसे विराम लेना चाहता हूँ। मिलेंगे एटीट्यूड इज एवरीथिंग के दूसरे भाग में। थैंक यू।